हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट हर्ष फ्रॉम वीआरएक्स। तो आज हम देखेंगे कि यूआरपी प्रोजेक्ट्स को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यूआरपी पाइपलाइन। आई होप आप लोग यूआरपी पाइपलाइन से अवेयर होंगे। अगर आप यूआरपी पाइपलाइन से अवेयर नहीं है तो मेरी यूआरपी हमारी जो पुरानी वीडियोज़ हैं यूआरपी पाइपलाइन रिलेटेड, वो आप देख सकते हैं। तो गाइज, यूआरपी पाइपलाइन को क्रिएट करने के लिए दो तरीके हमारे पास दो तरीके हैं, जिसमें हम या तो डायरेक्टली यहाँ से यूआरपी पाइपलाइंस को चेक कर लें, सेलेक्ट कर लें और यहाँ से हम क्रिएट प्रोजेक्ट कर लें। तो हमारे लिए यूआरपी की जो भी नेसेसरी चीज़ें होंगी वो खुद डाउनलोड कर लेगा और खुद ही उनको अपने हमारे प्रोजेक्ट में एम्बेड कर देगा। बट इफ इनकेस कोई प्रोजेक्ट हमने यूआरपी के लिए नहीं बनाया हो, जैसे अगर मैं फिर से अपना यूनिटी हब स्टार्ट करता हूँ, प्री एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है जो कि यूआरपी पर नहीं है, तो हम एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं। ऐसा हम एक बेसिक प्रोजेक्ट लेते हैं जो 3D कोर से रिलेटेड है। मैंने इसको एक डायरेक्टरी दे दी जहाँ पर मेरा ये प्रोजेक्ट फॉर यूआरपी के नाम भी हम इसमें दे देते हैं, नेम मेंशन कर देते हैं इसको फॉर यूआरपी। ठीक है, ये भी एक बेसिक पाइपलाइन है, बेसिक यूनिटी पाइपलाइन पे हमने इसको बनाया है, कोर 3D पाइपलाइन पर। अब हम इसमें इसको हम यूआरपी पाइपलाइन के अकॉर्डिंग हम इसको कन्वर्ट करेंगे। यूआरपी पाइपलाइन एक यूनिवर्सल रेंडरिंग पाइपलाइन है जो कि मोबाइल पीसी के लिए बहुत ही लाइट वेटेड है, जो कि एक स्क्रिप्टेड आप बोल सकते हैं पाइपलाइन है, रेंडरिंग पाइपलाइन है। सो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस, और ये जल्दी प्रोजेक्ट जो है ओपन हो जाएगा। सो गाइज, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया जो कि एक 3D पाइपलाइन, बहुत सिंपल, इसमें और कोई स्पेसिफिक इंटीग्रेशन नहीं है, तो बहुत बेसिक प्रोजेक्ट है। अब हम इसको देखेंगे कि इसको हमें यूआरपी पाइपलाइन में कैसे चेंज करना है। तो यूआरपी पाइपलाइन के लिए हमें जाना पड़ेगा विंडोज मेन्यू में, और हम ओपन करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को, जहाँ पर हमें सारे पैकेजेस मिल जाते हैं जो कि हमारी हमारे इस प्रोजेक्ट में एग्जिस्ट करते हैं, या यूनिटी एसेट स्टोर में एग्जिस्ट करते हैं, या फिर हमारी अपनी आईडी से, जो भी यूनिटी ऑफिशियल आईडी है उससे हमने डाउनलोड किए हुए हैं। तो गाइस, यहाँ पर हमें चूज करना है यूनिटी रजिस्ट्री, बिकॉज इन प्रोजेक्ट्स हमें नहीं मिलेगा, हमारे पास कोई बिल्ट इन या माई एसेट्स में वो नहीं है, हमें यूनिटी रजिस्ट्री में जाना पड़ेगा, जहाँ पर आपको यूनिटी की आईडी से, जो आपकी आईडी लॉगिन है उससे रिलेटेड सारे प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे यूनिवर्सल आरपी। बहुत सिंपल है, बट ये हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाकर यूनिवर्सल आरपी को इंस्टॉल करना है और क्या लिखकर हमें मिलने वाला है। तो यूनिवर्सल जैसे ही आप टाइप करेंगे आपके पास यहाँ पर आ जाएगा यूनिवर्सल आरपी, और जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सो आप देखेंगे यहाँ पर इंस्टॉल ये हो रहा है, और ये इसका लेटेस्ट वर्जन है। जो कि नवंबर में ही रिलीज किया गया है। कई बार जब मल्टीपल वर्जन्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं और ऑफिशियली अवेलेबल होते हैं, तो आपको यहीं इसी ड्रॉप डाउन में यहाँ पर मल्टीपल वर्जन भी चूज करने के लिए मिल जाते हैं। तो फिलहाल हम इसको, हमारे पास एक ही वर्जन है और हम इसी को अभी अपने इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर रहे हैं। सी, ये इंस्टॉल हो गया और अभी इम्पोर्ट हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स, एंड यस हियर वी आर। या सो इट इज इंस्टॉल्ड नाउ, चेक हियर, बट आई थिंक दिस इज जस्ट एन इंस्टॉल्ड, लाइक देर इज नथिंग इम्पोर्टेड इन इन दिस प्रोजेक्ट, अभी कुछ इम्पोर्ट नहीं हुआ है, सो वी हैव टू नाउ इम्पोर्ट। सो एक बार आपको डाउनलोड करना है इसको, देन जब वो डाउनलोड हो जाएगा तो आपको इम्पोर्ट करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा, और ये सैम्पल्स हम इम्पोर्ट कर रहे हैं एक्चुअली, अदरवाइज आपका यूआरपी जो पाइपलाइन है वो आपकी इंटीग्रेट हो चुकी थी, बट सैम्पल से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है, तो सैम्पल्स हमारे लिए ठीक है।
ये हमने अभी इंपोर्ट कर लिया। ये सैंपल्स हम जाकर अभी ऑन कर सकते हैं, बट हम देखते हैं कि क्या हमने हमारी पाइपलाइन इंटीग्रेट की है। तो वो चेक करने के लिए आप पे जा सकते हैं और प्रीव्यू सेटिंग्स के ग्राफिक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। सी, यहाँ पर आपको URP ग्लोबल सेटिंग्स दिख रही हैं। अभी इस प्रोजेक्ट में कोई URP सेलेक्टेड नहीं है, बट आपको जब ये URP ग्लोबल अनेबल हो जाए तो आप समझ जाएंगे, आपको आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर हमने इसको इम्पोर्ट कर लिया है। दूसरा आप चेक कर सकते हैं, इस प्लस पे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर रेंडर में आपको URP रिलेटेड एसेट्स मिल जाएंगे। अगर URP रिलेटेड एसेट्स आप अपने रेंडरिंग मेन्यू में मिल पा रहे हैं तो इट मीन्स आपको आपके प्रोजेक्ट में URP इंटीग्रेट हो चुके हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।